ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, बट अभी जो है ये LCD पे हम देखते हैं कुछ ना कुछ। और यहाँ पे जो है ये बयानात वगैरह पड़े हुए हैं कुछ मौलवी हजरात के। उसके बाद अगर हम इसका कॉमेडी में जाएं तो यहाँ पे कुछ कॉमेडी मूवीज़ आ जाती हैं। उसके बाद जो है इसमें और भी बहुत कुछ है, गेम्स भी हैं। ये भी बस स्टैंड पे मैं उतरा हूँ और इस बस से हम उतरे हैं और अभी हमने जाना है आगे होटल में। मैंने होटल बुक करवा लिया है तो अब वहाँ चलते हैं। थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि इस टाइम में किस सिटी में, तो इसलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए आपको दिखाते हैं लाहौर की कुछ मशहूर जो जगह हैं वो। इसलिए पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरा इस्लाम उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और शुरू करते हैं न्यू ये है जी बादशाही मस्जिद लाहौर। ये भी मैं जा रहा हूँ आपको मीनार पाकिस्तान का यहाँ से व्यू दिखाने के लिए। ये आ जाती है बादशाही मस्जिद और यहाँ से अभी हम चलते जाएंगे। और ये चेक करें जी यहाँ से मीनार पाकिस्तान, ये आ जाता है ये मीनार पाकिस्तान। और ये यहाँ पे अभी दरअसल व्यू है नहीं है, देखें यहाँ पे ये है मतलब सही तारीखी जो वो होते हैं पता चलता है कि यहाँ से अब मैं चलता जाऊँगा तो ये यहाँ से यूँ मैं निकलता जाऊँगा साथ साथ ये व्यू आ जाते हैं। ये है तारीख, तारीख लाहौर, लाहौर क्या है। अभी तो आपको मैंने ये दिखाई है, उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको कल जो है मैं दिखाऊँगा कल के व्लॉग में आप हमें दिखाऊंगा वो मस्जिद जिसके बारे में वो इकबाल ने शेर लिखा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में इमाम की हरारत वालों ने, मन अपना ही पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। कल इंशाल्लाह आप हमें वो दिखाऊंगा। तो ये व्लॉग आप मिलेंगे वैसे काफ़ी टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, लेकिन मैं अभी बना जो रहा हूँ तो इसलिए मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन पता है। और ये इसके पीछे जो स्टोरी थी, कुछ लोगों को शायद इस स्टोरी का ना पता हो, तो मैं इंशाल्लाह उस मस्जिद में जाके तो फिर आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि इकबाल ने इसे ये शेर कहा क्यों था, किस वजह से कहा था इकबाल ने ये शेर। और कल अगर मैं दिन को आया तो मैं आपको कल इंशाल्लाह इसका भी विज़िट करवाऊँगा, ये भी लॉक है तो इसका भी करवाऊँगा। फिलहाल चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ जो मैंने आपसे कहा। ये है जी वो हिस्सा जहाँ से हम सीढ़ियाँ उतरते हैं बादशाही मस्जिद की। और ये माशाल्लाह कितनी सफाई का यहाँ ख्याल रखा गया है, ये देखें बेहतरीन किस्म की यहाँ पे सफाई का ख्याल। और ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। ये बादशाही मस्जिद की एंट्रेंस है और ये सफाई का ख्याल देखें। ये तो ये इंशाल्लाह कल मैं विज़िट करूंगा, मैं पिछली बार भी आया था मैं विज़िट नहीं कर पाया था। और ये तो मेरे ख्याल में कोई गुरुद्वारा है, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं शूज़ पहनूं, मैंने आपको कुछ दिखाना है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ देखने को मिली है, हर चीज़ की कसूरवार हुकूमत नहीं है, हुकूमत या इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं है। 1 डस्टबिन 2 3 ये भी डस्टबिन पड़ा हुआ है, लेकिन वही बात है ना कि आप खुद कितना साफ रहते हैं या आपने खुद अपने मुल्क को कितना साफ रखना है। ये मस्जिद का सहन, इसको सहन कह लें आप, क्या यहाँ से हम ये चढ़ के ना ये सीढ़ियाँ ये एंट्रेंस है। तो
तो हुकूमत क्या इसको इंतजामिया कसूर नहीं कहेंगे, इन बेचारों ने अपना काम मुकम्मल करके दिखाया हुआ है। मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा ऐतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों ये आ जाता है जी दील चौधरी साहब का रेस्टोरेंट जुनून, ये चेक करें लाहौर लाहौर है, ये है बादशाही मस्जिद। अभी आपको मैं बता नहीं सकता मेरे साथ जो वाक्य पेश आया है, मैं भी जब यहाँ से निकला बाहर टिकट से, तो अब जरी सी बात है मुझे रिक्शा करवाना पड़ना था, और अभी मैं बाहर निकला तो मुझे भाई मिले, इन्होंने पूछा कहाँ जाना है आपको, मैंने कहा मैंने दादा दरबार, क्योंकि उसके पास मेरा होटल है, तो मैंने कहा मैंने वहाँ पे जाना है, तो भाई जान ने कहा कितनी सवारी है, मैंने कहा जी मैं अकेला, इन्होंने कहा आओ बैठो, मैं सर कितना किराया, इन्होंने कहा फ्री, अब एक मिनट के लिए मैं मैंने कहा भाई क्या हो गया, तो भाई ने कहा सर आप ऐसे ही ले गए, आप ये देखिए ये पाँच चुकी है ये बराबर नहीं है, हर कोई गलत भी नहीं होता और हर कोई सही भी नहीं होता। सर जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, ये इनकी नवाजिश है, इनका बड़ा फन है। ये है जी दाता दरबार और ये है इसकी मस्जिद, और आप लोग मुझ पर अब ये वो फतवे ना लगा दीजिएगा जी आपने तो खुद बात की थी, और अब आप जो है यहाँ वीडियो बना रहे हैं मस्जिद में, आपने नमाज़ नहीं पढ़ी, मैं ईशा की नमाज़ बादशाही मस्जिद में पढ़ के मैं अभी आया हूँ दाता दरबार, पहचान लाहौर शान लाहौर, इस पर भी वीडियो बनाई जाए और जाके इस्लाम पेश किया जाए, और ये इसका जो मैंने आपको दिखाई शॉट्स, ये पहले जो थे वो दाता दरबार के थे, दोबारा जो थे ये इसकी बैक साइड पे, ये दाता दरबार जो आप फ्रंट से देखते हैं और ये इसकी बैक साइड पे ये मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद है ये, और बड़ा दूर से इसका बड़ा खूबसूरत व्यू आता है, ये ऊपर एक मिनट ये मोहम्मद लिखा हुआ है, अब आपको क्लियर नहीं हो रहा, वो जो वाइट लाइट है ना उसकी डार्क है, बट ये मैं बैक शॉट से आपको मैं दिखाऊंगा इसकी, अगर मुझे तस्वीर कोई मिली ना अच्छी सी तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसी खूबसूरत मकाम पे इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड,
बहुत जल्द मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। बल्कि इसी के ही आपसे मैंने दूसरा पार्ट, क्योंकि लाहौर कोई अभी मैंने आपको मीनार पाकिस्तान भी दिखाना है और भी एक दो जगह मैंने विज़िट करनी है, तो उनके साथ आपको मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.